देखिए दुर्भाग्य की बात कि हम शहीद के यहाँ शहादत में शामिल हुए, यहाँ आईजी भी आए, कलेक्टर भी आए, एसपी भी आए, जिले का आला अधिकारी आए, लेकिन जब तिरंगा लिया जा रहा था वापस और जब दाह संस्कार शहीद की अंतिम संस्कार के अंदर जब चिता के अंदर मुखाग्नि दी जाती है, उससे पहले कोई चेयर पे नहीं बैठता। हम सारे एमपी एमएलए सब लोग खड़े हैं, लेकिन आईजी एसपी कलेक्टर तीनों पैर पे पैर दिए हुए और वहाँ चेयर पे बैठे थे। और जब मैंने इस बात का मैसेज करवाया, उठ के यहाँ से चल दिए। राजकीय सम्मान का मतलब ये होता है कि हम यहाँ खड़े हैं जब तक अंत्येष्टि पूरी नहीं हो, अंतिम संस्कार पूरा नहीं हो, उनको जाना नहीं चाहिए और ये आना ही नहीं चाहिए। और आना चाहिए तो अंतिम संस्कार पूरा होने के बाद जाना चाहिए, और दूसरा वहाँ बैठना नहीं चाहिए। मैंने आई साहब के कान में पूछा कि आपका पहला काम पड़ा है क्या? बोला मेरा तो पहला ही पड़ा, मैं तो डेपुटेशन में रहा था ज्यादा, मैं पहले शहीद के कार्यक्रम यही कलेक्टर एसपी किया कि कभी शहीद के कभी शहादत में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया। तो आप ये बताइए, ये ड्यूटी बनती है एडिल एसपी की, एडीएम की, इन नीचे के लोगों की कि साहब शहीद का जो कार्यक्रम होता है, शहादत होती है, उसमें इस तरीके से जब जनप्रतिनिधि खड़े हैं, एमपी खड़े हैं, एमएलए खड़े हैं, जो प्रोटोकॉल में चीफ सेक्रेटरी से बड़े होते हैं वो खड़े हैं, जनता खड़ी है हजारों की तादाद के अंदर, तो आपको इस तरह जाके नहीं बैठना चाहिए। ये कोई अंग्रेजों का राज थोड़ी है, ये कोई जागीरदारों की सामंतों की सरकार थोड़ी है, अब इस तरह जाके बैठना। तो मैं भजनलाल सरकार से मांग करूंगा इस गलती के लिए आईजी एसपी कलेक्टर सहित तमाम जो नीचे के अधिकारी जांच करा के आइंदा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इनको यहाँ से हटाया जाए। एक मैसेज पूरे देश के अंदर जाए कि इस तरह का मामला हुआ था जब तुलसीराम केल्ली के अंदर शहीद हुए, तो फायर नहीं किया था उन्होंने, सिर्फ जो बिना फायर के उन्होंने गार्डों को देने का प्रयास किया, उस मामले को लोकसभा के अंदर उठाया था, उसके परिणाम स्वरूप तीन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई और निश्चित रूप से सेना के अंदर एक संदेश गया, ये सैनिक जो हमारी सुरक्षा के लिए लड़ते हैं ये जन भावना है। देखिए आप 5 किलोमीटर जाने तक बच्चे पैदल दौड़ते गए, वापिस आए, वहाँ भी जो चूक हुई कि एक बार इनको दिखाया नहीं, चेहरा नहीं दिखाया, वापिस उतरवा के चेहरा दिखवाया हम लोगों को, भाई चेहरा तो दिखाओ, घर किसने लेके जाते हैं? घर इसलिए लेके जाते हैं कि अपना अंतिम संस्कार की जो हिंदू रीति रिवाज है उसकी प्रक्रिया पूरी करके चेहरा दिखाया जाता है। वो भी वहाँ वापिस जब चढ़ा दिया था ट्रक के अंदर तो वापिस उतार के चेहरा दिखाया गया। और यहाँ जो इस तरह प्रशासनिक अधिकारियों की जो हरकत है ये निंदनीय है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और राज के सम्मान का मतलब ये होता है, गार्ड ऑफ ऑनर जा लगता है, बिना अंतिम संस्कार अधिकारियों को इस तरह मौके से नहीं जाना चाहिए, ये ब्लंडर मिस्टेक है। और मुझे ऐसा लग रहा है भजनलाल जी का कोई सत्ता पे जो सत्ता के ऊपर पकड़ होनी चाहिए, वो पकड़ भजनलाल जी मुझे लगी नहीं। उसका उदाहरण यहाँ पांचों के अंदर जो रामचंद्र स्वामी शादत है आप देख सकते हो, अभी आई जी कलेक्टर एसपी तीनों यहाँ चले गए छोड़ के, और पहले आराम से कुर्सियों में बैठे थे, हम लोग खड़े थे, ये बहुत बड़ी विडंबना है, ये शहीद का अपमान है।